अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ आपको ये वेबसाइट ये फ्रेंचाइजी नहीं लेनी चाहिए। ये आप देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है, 20 से 25 लाख रुपए, 30 से 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए तक। अभी जो कंप्लेंट है आ रही थी मेन रीजन यही था, अगर कोई बिजनेसमैन 20-25 लाख रुपए इसमें लगा देगा उसके बाद उसको रनिंग कॉस्ट भी चाहिए, लगभग 5 से 6 महीने उसको रेंट भी देना है क्योंकि पहले महीने से तो कोई चीज़ प्रॉफिट में आ नहीं जाएगी। एम बी चाय वाले की आप कैसे फ्रेंचाइज ले सकते हैं, कैसे इनके आउटलेट खोल सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और पिछले कुछ दिनों में जो इनके साथ दिक्कत हुई थी, क्या सच में आपको इनकी फ्रेंचाइज लेनी चाहिए, क्या सच में ये स्कैम है या सच में ये अच्छी एक फ्रेंचाइज करते हैं, इस वीडियो में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं फ्रेंचाइज ज्ञान यूट्यूब चैनल। अगर आप अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। जैसा सब बोलते हैं वैसे ही मैं बोलता हूँ, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं पहले जो स्कैम हुआ था या हुआ है, अभी उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस बारे में नहीं कह सकते कि इन्होंने ये जानबूझ के किया या कोई इंटेंशन थी या ये मार्केटिंग का तरीका था, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल जो हो गया कि ये सच में ये फ्रेंचाइज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mbchaiwala.com, आप इस पर आ जाएंगे, ठीक है। ये अदर प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं आईटी, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये चाय वगैरह सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिए। मिस्टर प्रफुल बिल्लरे ये इनका नाम है, फाउंडर ऑफ एमबी चाय वाला प्राइवेट लिमिटेड, ये आप देख लीजिए, इनके बारे में इन्होंने बताया गया है। तो ये आप इनकी वेबसाइट देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंचाइजी की। दोस्तों जब मैं इनकी वेबसाइट पर सुबह भी रिसर्च कर रहा तो मैं देखा कि इनकी वेबसाइट की जो स्पीड है काफ़ी डाउन है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी ये कंपनी रन कर रहे हैं उनके पास होस्टिंग अच्छी नहीं है, तो इस पर इनको ध्यान देना चाहिए। तो सीधे इनके फ्रेंचाइज ऑप्शन पर जाते हैं, बाकी इनकी आप वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं दे दूंगा। वेबसाइट जैसे www.mbchaiwala.com है, कॉन्टेक्ट का ऊपर ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अभी आप देखिए कितनी स्लो वेबसाइट है, जबकि यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, स्लो होने का कोई मतलब बनता नहीं है। ये आप देखेंगे एक पेज ओपन हो गया है, तो बीच में जो ऑप्शन है लेट्स डू बिजनेस, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इंक्वायरी फॉर्म है वो ओपन हो गया, ये आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले नेम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसका कंट्रैक्ट की चॉइस कर लेंगे। दोस्तों लग रहा है इन्होंने सारी कंट्री डाल दी हैं, जल्दी में वेबसाइट बनाई हुई है उन कंट्रियों में जहां आप फ्रेंचाइज दे रहे हैं वहां रन करिए। मुझे नहीं लगता है जितनी भी दुनिया के देश हैं सारी जगह आप फ्रेंचाइज दे पा रहे होंगे, तो यही मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना रिसर्च कम की गई है, जल्दी से वेबसाइट बना दिया है। इंडिया की चॉइस कर लेंगे, स्टेट की चॉइस कर लेंगे, मैं रैंडम चॉइस कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस करिए, सिटी नेम जो भी है वो डाल लीजिए। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ आपको ये वेबसाइट ये फ्रेंचाइजी नहीं लेनी चाहिए। ये आप देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है, 20 से 25 लाख रुपए, 30 से 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए तक। अभी जो कंप्लेंट है आ रही थी मेन रीजन यही था, अगर कोई बिजनेसमैन 20-25 लाख रुपए इसमें लगा देगा उसके बाद उसको रनिंग कॉस्ट भी चाहिए, लगभग 5 से 6 महीने उसको रेंट भी देना है क्योंकि पहले महीने से तो कोई चीज़ प्रॉफिट में आ नहीं जाएगी, एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है और भी कई सारे खर्चे होंगे। तो जब 20-25 लाख ये चाहिए, 5-10 लाख और चाहिए, ये मतलब हो गया आपका 30 से 40 लाख रुपये, ठीक है जी। तो क्या 30 से 40 लाख रुपए में चाय की फ्रेंचाइज लेना सही है, ये और बात है कि इनके यहाँ पास और भी सारे बहुत सारे आइटम मिलते हैं, लेकिन मेनली आपकी जो ब्रांडिंग है वो चाय के नाम से है, तो मुझे नहीं लगता इतनी महंगी फ्रेंचाइज लेने में फ़ायदा है। जो ये दिक्कत आ रही है फ्रेंचाइजियाँ बंद हो रही हैं और लोग परेशान हैं, वो इसलिए परेशान हैं। देखिए मार्केटिंग का काम होता है किसी चीज़ को उसे करके दिखाना, उसके अच्छे पहलू को दिखाना, और इस चीज़ में जो इसके ओनर हैं मिस्टर प्रफुल वो बहुत एक्सपर्ट हैं, वो अपनी फ्रेंचाइज के अलावा सारी बातें करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ही यहाँ कमज़ोर है और उसकी फ्रेंचाइज कॉस्ट ओवर वैल्यूड है। अगर ये ही 5 से 6 लाख की होती
तो मैं जस्टिफाई करता, मैक्सिमम 10 लाख तक की हो सकती थी वो। इसमें नीचे रहेंगे ऑक्यूपेशन में अपना जॉब बिजनेस जो भी है वो डाल दीजिए, प्रेफर लोकेशन कहाँ के लिए किस सिटी के लिए आप लेना चाहते हैं वो डाल दीजिए, एज हो गया, उसके बाद एज डालेंगे YMBA चाय वाला वो डाल देंगे, ठीक है, और सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए YMBA चाय वाला, अगर आप किसी और वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ लिखा होता है कि आपको ये फ्रेंचाइज क्यों लेनी चाहिए, वो लोग अपनी तारीफ कर रहे होते हैं कि ऐसे लेंगे तो इस टाइप से बेनिफिट होगा, यहाँ उल्टा है कि आप क्यों लेना चाहते हैं वो आप बताइए और फिर आप सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों मेरी तो आपको यही एडवाइज है और ये पूरी तरह मेरी अपनी एडवाइज है कि आपको ये फ्रेंचाइज नहीं लेनी चाहिए, बहुत ही ओवर वैल्यूड है। 20 से 25 लाख रुपए आपको स्टार्टिंग में ही चाहिए, उसके बाद आपको अदर इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा, आउटलेट कॉस्ट हो गया, मैन पावर कॉस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गया, रनिंग कॉस्ट हो गया, अदर कॉस्ट भी होंगे, ठीक है। तो मेरी आपको ये एडवाइस है आप इस फ्रेंचाइज लेने से बचें, फिर भी जो प्रोसेस है वो मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, ये मेरी व्यक्तिगत एडवाइस है, मैं ये क्लियर कर दूँ। फ्रेंचाइज लेने से पहले आप और किसी की भी एडवाइस ले सकते हैं, या कम से कम 2 या 4 या 5 उन आउटलेट पर जाइए जो फिलहाल में रन हो रहे हैं, ठीक है, जिन्हें कंपनी खुद रन नहीं कर रही, जो फ्रेंचाइज ओनर आपके जैसे कोई और रन कर रहा है उनसे एक बार मिलिए और उसके बाद फिर आप डिसीजन ले सकते हैं।